हाँ बहुत अच्छी बात है, फैसला आएगा, क्योंकि सर्वे ही महत्वपूर्ण है। जैसे ज्ञान वापी का सर्वे हुआ, वैसे राम जन्मभूमि का सर्वे हुआ, इनके सर्वे में ही स्पष्ट हुआ कि यहाँ मंदिर है और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनी या जो कुछ बना, उसी प्रकार के शाही इमाम भगवान कृष्ण के उत्सव पर है। और इस पर जब सर्वे का आदेश हो जाएगा और सर्वे शुरू हो जाएगा, तब यह पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या है, क्या स्थिति है। उसको जानने के लिए यह सर्वे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे में सब तथ्य जितने हैं वो पता चल जाते हैं। इसलिए कोर्ट को जो आज आदेश देना है, और उसी आदेश पर सर्वे प्रारंभ होगा, और उसी सर्वे में स्पष्ट हो जाएगा कि ईदगाह है, कि कृष्ण की जन्मभूमि है। और ऐसा स्पष्ट होने पर तो कोर्ट को सुगमता हो जाएगी कि आगे उसका सर्वे को देखने के बाद निर्णय हो जाएगा कि हाँ यह ईदगाह है या मंदिर है। इसलिए यह सर्वे जो कोर्ट ने सर्वे के लिए कहा है, और आज यदि सर्वे हो जाता है, सर्वे का आदेश, तो उसके बाद सर्वे होगा, सर्वे के बाद में वो निर्णय होगा। हाँ सही है, मतलब ये बात है जो ये से सुनी थी, कोर्ट के लोग थे, अधिवक्ता ने दर्ज कराई थी, इस पर आपत्ति भी दर्ज करा दिया था। हाँ, तो आपत्ति दर्ज कराएं, उनको भय है, इसलिए भय है कि यह शाही इमाम न हो करके, यह तो राम की कृष्ण जन्म यह कृष्ण की जन्मभूमि है, और कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण से जो सबूत और तथ्य वहाँ मिलेंगे, वह मिलेंगे कृष्ण के पक्ष में और हिंदुओं के पक्ष में। इसीलिए ये लोग विरोध करते हैं कि सर्वे न हो, और जबकि सर्वे के लिए आज यदि आदेश हो जाएगा तो सर्वे निश्चित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।